जी हाँ, तो आज भारत की वायु शक्ति का पराक्रम आपको देखने को मिलेगा। पूरा देश इस बात का गवाह होगा। आसमान में भारत का परचम लहराएगा। आज आसमान में दिखेगी वायुसेना की शक्ति। शाम 5 बजे से एक ऐसी ड्रिल होने जा रही है जिस पर सभी की निगाहें हैं। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024। वायुसेना के फाइटर जेट दिखाएंगे पराक्रम। दुनिया देखेगी वायुसेना का दमखम, वो अदम्य साहस जो फाइटर जेट्स के गर्जना के रूप में आसमान से सामने आएंगे। तो अब से करीब 3 घंटे बाद शुरू होने वाला है भारत की वायु शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन, वायु शक्ति 2024। और जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज होने वाली है। और इस एक्सरसाइज का साक्षी बनने के लिए कई गणमान्य लोग पहुंचने वाले हैं। शाम 5 बजे से जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में भारत की वायु ताकत को पूरी दुनिया देखेगी। आज की एक्सरसाइज फायर पावर एक्सरसाइज है जिसमें वायुसेना ठीक वैसा प्रदर्शन करेगी जैसे युद्ध के दौरान किया जाता है। इसमें फाइटर जेट उड़ान भरेंगे, दुश्मन के गढ़ को धराशायी करने की कोशिश करेंगे, आसमान से मिसाइल गिराई जाएगी, एंटी मिसाइल का भी इस्तेमाल होगा, हेलीकॉप्टर से भी गोले दागे जाएंगे। नज़ारा ऐसा होगा जैसा युद्ध का होता है। और वायु शक्ति 2024 में एयरफोर्स की अटैकिंग और डिफेंसिव फोर्स परफॉर्म करेगी। करीब 121 एयरक्राफ्ट आज हैरतअंगेज नज़ारा पेश करेंगे। इनमें राफाल, मिराज 2000, सुखोई 30, एमकेआई जैगुआर, हॉक सी 130J, चीनुक, अपाचे और MI-17 शामिल हैं। इसके अलावा आज स्वदेशी हवाई शक्ति का भी शौर्य दिखने वाला है क्योंकि देश में विकसित तेजस, प्रचंड और ध्रुव आज आसमान में परचम लहराने वाले हैं। इसके अलावा वायु शक्ति 2024 में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की भी परीक्षा होगी। एयरफोर्स की आक्रामकता, उसकी डिफेंसिव पावर विश्व स्तर की है। वायुसेना की क्षमता किसी पश्चिमी देश की क्षमता से कमतर नहीं है। आज के फायर पावर में दुनिया वायुसेना के युद्ध कौशल को देखेगी। आज एयरफोर्स के साथ साथ सेना का तालमेल भी नजर आएगा। सेना की एयरविंग भी आज के मेगा फायर पावर में शामिल है। इसके अलावा सेना के कई हथियारों को एयरफोर्स के विमानों के जरिए एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। आज का फायर पावर पाकिस्तान से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। ऐसे में जब भारत का आसमान गरजेगा तो उसकी थर्राहट दुश्मन देश तक भी सुनाई देगी। चीन की चुनौतियों के मद्देनजर भी वायु शक्ति 2024 बेहद अहम है। पे फाइटर्स के रूप में 4 मिराज 2000, 250 kg के बॉम्ब यहां से आपको ड्रॉप करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही में हेलीकॉप्टर्स में यहां पे LCH प्रचंड इंडक्ट हुआ है जोधपुर से, जो कि यहां पे पहली बार इस वायु शक्ति में डेब्यू करेगा और अपने आप प्रदर्शन दिखाएगा रात में, जबकि वो NVGs पे रॉकेट फायर करेगा। पहली बार इस वायु शक्ति इवेंट में हम जॉइंटनेस का प्रदर्शन करते हुए आर्मी और एयरफोर्स साथ में ऑपरेट करेंगे, जहाँ की आर्मी के WSIs अपने LH Mark 4, जो कि एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है HL द्वारा डेवलप किया गया, उसमें से रॉकेट फायर करेगा और साथ ही साथ LH Mark 4 जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं वो अपने फ्रंट गन फायर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास Mi-17 1Vs हैं जो कि 80 mm रॉकेट्स फायर करेंगे इस इवेंट में, और साथ ही साथ Mi-17 Pure जो बेस यूनिट है और जो चिनूक एयरक्राफ्ट है वो टैक्टिकल मोबिलिटी को प्रदर्शित करेगा। स्वदेशी शक्ति प्रदर्शन आज दुनिया की नज़र आसमान पर है। कितने विमान आपको बता रहे हैं इसमें शामिल हो रहे हैं इस ड्रिल में? 77 फाइटर जेट्स शामिल हो रहे हैं जिसमें से 41 हेलीकॉप्टर भी हैं, 5 परिवहन विमान भी हैं। और आपको ये भी बता दें कि पहली बार कौन से शामिल हो रहे हैं इस ड्रिल में, इस वॉर एक्सरसाइज में, राफाल लड़ाकू विमान, प्रचंड हेलीकॉप्टर, इसके अलावा समर हथियार प्रणाली भी पहली बार शामिल हो रहे हैं। तो ये हमने आपको पूरा ब्यौरा दिया कि क्या कुछ आज होने वाला है शाम 5 बजे से। और वायु शक्ति 2024 में एयरफोर्स के साथ साथ सेना भी शामिल है। दोनों फोर्स के बीच कैसा तालमेल होगा ये भी जान लीजिए। वायुसेना की जो जोड़ी है आसमान में अजेय कहलाती है। और वायुसेना का ये जो पराक्रम आप देख रहे हैं ये भी शानदार रहने वाला है। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में 40-50 टन युद्ध सामग्री गिराई जाएगी। फिर राफाल से MICA मिसाइल दागी जाएगी।
माइका जिसे कहा जाता है, LCA तेजस से R-73 मिसाइल दागी जाएगी। सेना का ये शौर्य है जिसमें सेना रुद्र हेलीकॉप्टर से गोले दागेगी, सेना की बंदूकें एयरलिफ्ट होंगी और सेना की होविट्जर को चीनूक से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये जो नज़ारा होगा ये बहुत दिलचस्प होने वाला है और ये दुनिया देख पाएगी, इस बात की गवाह बन पाएगी कि कैसे वॉर एक्सरसाइज होती है। और वायु शक्ति 2024 5 मुख्य इसकी रणनीति होगी। डिफेंसिव काउंटर, ये पहली रणनीति जो एयर में होता है। इसके अलावा ऑफेंसिव काउंटर जो कि एयर में किया जाएगा, जो तैयारी होती है वायुसेना की। काउंटर एयर स्ट्राइक, इस पर भी नजर रहेगी, रणनीति पर भी। सप्रेस एनिमी एयर डिफेंस और टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये 5 मुख्य रणनीति हैं वायु शक्ति 2024 से जुड़ी हुई, जिसको प्रदर्शित किया जाएगा आसमान में।